ये ट्रांसफार्म रामगढ़ी चोपला। जनपद हापुड़ में पड़ रही भीषण गर्मी का असर शुक्रवार की मध्य रात्रि को देखने को मिला, जब एक ट्रांसफार्मर धू धू कर जल उठा और तब तक जलता रहा जब तक ट्रांसफार्मर राख ना हो गया। ये मामला एसएसवी कॉलेज के पीछे रामगढ़ी चौपले का है। ग्रामीणों ने बताया कि रामगढ़ी चौपला पर बिजली विभाग का एक बड़ा ट्रांसफार्मर लगा है। शुक्रवार की मध्य रात्रि के करीब ट्रांसफार्मर में अचानक आग लग गई और वो धू धू कर चलने लगा। आग की लपटें इतनी ऊंची और तेज थी कि कोई भी व्यक्ति पास जाने की हिम्मत नहीं जुटा सका। ट्रांसफार्मर चलने से बिजली सप्लाई ठप हो गई और हड़कंप मच गया। ग्रामीणों का कहना है कि ट्रांसफार्मर में आग लगने का कारण शॉर्ट सर्किट या अत्यधिक लोड हो सकता है। कार वाला इतना है। अभी कम से कम कल को कोई दिन लाइट नहीं आने की अब तो ये बोर्ड जल रहा नीचे वाला ट्रांसफार्मर में तो आ गया ना। ये ट्रांसफार्मर रामगढ़ी चोपला चल फट लिया जो फटना बहुत चलेगा। कार वाला इतना है। अभी कम से कम कल को कोई दिन लाइट नहीं आने की ये ट्रांसफार्मर रामगढ़ी चोपला चल फट लिया जो फटना ये ट्रांसफार्मर रामगढ़ी चोपला चल फट लिया जो फटना पूरा जाल वाले सारा पिघल गया। इसके सारे केबल पेबल ट्रांसफार्मर की लाइट सारी बेकार हो गई। जड़ी खत्म बहुत तगड़ी आग लगी पड़ी है। पूरा जाल वाले सारा पिघल गया। इसके सारे केबल पेबल ट्रांसफार्मर की लाइट सारी बेकार हो गई। गाड़ी पता नहीं किसकी। इधर फोन करा 112 पे फोन कर दिया। वैसे हाँ बहुत तक आ रही है ना रामगढ़ी के बिल्कुल चौराहे पे जो रामगढ़ी के बिल्कुल चौराहे पे जो